गुड मॉर्निंग गाइज, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो सबसे पहले तो आई एम गोना रिमूव माई लेंसेज। एंड हाँ, लास्ट वीडियो में दिखाया था कि लेंसेज कैसे पहनते हैं, इस वीडियो में मैं दिखाऊंगी कि लेंसेज को रिमूव कैसे करते हैं। ओके, सो स्टे ट्यून्ड एंड ध्यान से देखना, क्योंकि लेंसेज कोई कोई ऐसे करके रिमूव करते हैं जो कि बहुत गलत है, नेल लग सकता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, अगर आपके नेल्स लंबे हैं ना मेरी तरह, तो आप कैसे लेंस को रिमूव कर सकते हो। तो स्टे ट्यून्ड। हाँ जी, तो पहले हैंड वॉश कर लिए, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है सबसे पहले। लेंसेज पहनते हुए भी और लेंसेज को रिमूव करते हुए भी हमेशा आप अपने हाथों को साफ कर लें, अच्छे से पानी से धो लें, ठीक है। अभी लेंस की डब्बी खोल रही हूँ दोनों को, बट सोच रही हूँ, हाँ दोनों को ही खोल लेती हूँ, एक साथ रख दूंगी, क्योंकि किसी का ऐसा होता है, किसी के कॉन्टेक्ट लेंसेज होते हैं तो लेफ्ट का नंबर अलग होता है, राइट का नंबर अलग होता है, तो इस पे लिखा हुआ होता है, लाइक इस पे आर लिखा हुआ है, तो एक है लेफ्ट आई का और एक है राइट आई का, ठीक है। तो मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मेरे कॉन्टेक्ट लेंसेज सेम नंबर के हैं, तो मैं किसी में भी कोई भी रख सकती हूँ। बट अगर आपका लेफ्ट राइट का पंगा है, तो पहले लेफ्ट खोलो, लेफ्ट को रखो, राइट खोलो ढक्कन, फिर राइट में रखो, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना कैसे रिमूव करते हैं। हमेशा आप लोग क्या करते होंगे, इस तरह से करते होंगे, जिसमें कि चांसेस है नेल्स के लगने के आपकी सीधा आईबॉल के ऊपर, जो कि बहुत गलत है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेंसेज को बहुत ईजिली करेंगे रिमूव और बिना नेल को टच किए। अभी आप देखना कैसे। सबसे पहले यहाँ ये जो है ना हमारा लेंस, इस पर हमें फिंगर रखनी है, ऐसे फिंगर रख के इसको साइड में ले आना, खींच के। साइड में खींचने के बाद इसको ये देखो कितना इजीली रिमूव हो गया, मतलब कोई नेल टच नहीं किया है, कुछ नेल लगने के चांसेस नहीं है, ठीक है। अभी मैं आपको एक आगे वीडियो भी दिखाऊंगी, आप ध्यान से देखना किस तरह से वो अपने आईबॉल पे नेल टच कर रही है बार बार और बिना मिरर के। आप देखना प्लीज, वो गलती आप मत करना, इसलिए शेयर करूंगी। अभी सेम दूसरा लेंस में दिखा रही हूँ आपको, रिमूव करके ये किया, साइड लाए, ठीक है, इस तरह से, एंड साइड पे लाके इसको ये देखो कितना इजीली रिमूव हो गया, मतलब कोई नेल नहीं टच किया मैंने। और इफ अगर आपको नेल एक्सटेंशन है ना, तो भी आप कर सकते हो इसको इस तरह से, ठीक है, ड्रैग करके साइड में लाओ एंड देन खींच लो। कभी भी नेल से मत पकड़ो, क्योंकि आईबॉल पर अगर नाखून लग गया ना, तो बहुत भारी पड़ने वाला है, इसीलिए साइड पे लाओ इसको और इजीली रिमूव कर लो। और हाँ, डरना बिल्कुल भी नहीं कि अगर मैं साइड पे ले आई तो ये अंदर तो नहीं चला जाएगा आँख के, या कुछ फंस तो नहीं जाएगा ये लेंस, ऐसा कुछ नहीं है गाइज। आई एम वियरिंग लेंसेज आई थिंक फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स, एंड 2 साल से, मतलब जब से मैंने स्टार्ट किया ना पहनना लेंसेज, मैं हमेशा ऐसे ही रिमूव करती हूँ साइड पे लाके, तो अभी तक कहीं नहीं गया है। और हाँ, लेंसेज को कैसे पहनते इसकी वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो मैं दे रही हूँ लिंक यहाँ पर भी, आप यहाँ पर भी टैप कर सकते हो, अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वो भी जरूर देख लेना। लेंसेज पहनना और उतारना बहुत ईजी टास्क है, बट कुछ चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है, ताकि आपकी आईज भी खराब ना हो जाएं, इसीलिए आप ध्यान से देखना वीडियो को और सीखना और फिर ट्राई करना, ठीक है। सो अभी मैंने अपने लेंसेज ये रख लिए इसके अंदर, और हाँ, सॉल्यूशन इसमें पहले ही था, अगर आपका सॉल्यूशन आधी डब्बी से नीचे है तो प्लीज अगेन इसमें भर दें, अदरवाइज जरूरत नहीं है। तो मेरा सॉल्यूशन ऊपर तक था, तो मैंने नहीं फिल किया। अभी इसको मैं एज इट इज एक सेफ जगह रख दूंगी, अभी जब नेक्स्ट टाइम पहनूंगी तो बस पहन लूंगी।